दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लोकिया। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम दो लोगों को जंगल में जाते हुए देखते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर था जिसे ये दूसरा लड़का अपने साथ लेकर यहाँ पर आया था। ये लोग जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ पर लोगों को काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और जब वहाँ पर वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है और वो भी नेकेड हालत में। वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। वो गांव वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है डर के मारे, लेकिन वो रिपोर्टर उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी भी बना रखी थी। वो लोग किसी टाइप का रिचुअल कर रहे थे। जब वो रिपोर्टर उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे तीन लड़कियाँ दिखती हैं जो कि पजस्ड हो चुकी थी। इसी दौरान झोपड़ी के अंदर उपस्थित लोग उसे देख उन्हें देखकर वो रिपोर्टर वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 4 साल बीत जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस रिपोर्टर का नाम है महसा। अभी वो एक हॉस्पिटल के सामने रिपोर्टिंग कर रहा था। हॉस्पिटल का एक आदमी उसे अपने साथ अंदर ले आता है क्योंकि उसके पास उसके लिए एक बहुत अच्छा काम था। जब महेशा हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम आशा था और वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। आशा वहाँ से जाने लगती है, तभी महेशा की नज़र पड़ती है उसके पर्स पर जो वो वहीं पर भूल गई थी। वो उसे वापस करता है जिसके लिए आशा उसे शुक्रिया कहती है। अगले सीन में हम आशा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं जिसका नाम केविन था। वो उसे बताती है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। खैर थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और घर में अकेली रह जाती है आशा। घर में अकेले होने के दौरान उसे एक डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है और घर के एक बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही थी। ये देखकर आशा बहुत डर जाती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ पर उसकी मॉम भी उसके साथ थी। यहाँ पर केविन को ये बात पता थी लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आया। वहाँ पर महसा उससे मिलने के लिए आता है और वो जानना चाहता था कि आशा की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आशा उसे आज रात डिनर पर बुलाती है और वहाँ पर वो उसे सब कुछ बताएगी। डिनर करते वक्त आशा उसे बताती है कि उसे लगता है कि जहाँ पर वो रह रही है वो जगह हॉन्टेड है, जिस पर से वो उसे पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड की मौत कैसे हुई। वो बताती है कि उसने कहा था कि उसे चीज़ें दिखाई देती हैं, उन्हीं आत्माओं ने उसे पजस्ट कर लिया था और उन्हीं की वजह से उसकी जान भी गई थी। अभी आशा की शादी कुछ जो कुछ दिनों पहले उसकी फ्रेंड सिंथिया के साथ हो रहा था। तो ये दोनों चेक करने के लिए कि आशा जो कुछ भी कह रही है वो सही है या नहीं, उसके अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर महिषा आशा से ये कहता है कि वो चुपचाप सो जाए। वो वहाँ पर एक कैमरा लगा रहा है जिससे उसे पता चल जाएगा कि सोते वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ा टाइम बीत गया था और दोनों की आँख लग गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से महिषा को नीचे से आवाज़ आती है। वो वहाँ पर जाकर चेक करता है तो नीचे उसे दिखाई देती है आशा जो कि नींद में चल रही थी। वो उसे आशा को वापस से उसके बेडरूम में लेकर जाता है और तभी उसे फिर से आशा की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो रूम में जाता है तो उसे एक और आशा दिखाई देती है जो कि एक बुरा सपना देख कर डर गई थी। वो ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया था तो वो वापस से सीढ़ियों पर जाता है जहाँ पर उसे एक और आशा दिखती है। अब इनमें से कोई एक आशा डेमन है, लेकिन अचानक से वो डेमन वाली आशा गायब हो जाती है जिससे महिषा को ये समझ में आ जाता है कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। तो अगली सुबह ही वो अपना वो कैमरा चेक करने लगता है और वहाँ पर उसे आशा दिखाई देती है जो कि हवा में लेविटेट हो रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि आशा पजस्ड है, तो वो जाता है एक आदमी से मिलने के लिए। वो आशा को भी उस तांत्रिक के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो तांत्रिक महसा से ये बताता है कि आशा को कई सारे जिन ने पजस्ड कर लिया है। ये सारे जिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़रूर किसी ने उस पर कोई काला जादू किया है जिसकी वजह से वो सारे जिन एक साथ उसके अंदर हैं।
और वो सारे जीन उसे तभी छोड़ेंगे जब वो अपने साथ उसके शॉल लेकर जाएंगे। महिषा यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो तांत्रिक एक रिचुअल करता है। वो तांत्रिक उस रिचुअल के दौरान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर से वो जीन हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। महिषा को लगता है कि वो जीन आशा का शरीर छोड़कर चला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सीन में हम आशा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कैबिन उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। और तभी उसे याद आता है कि एक बार महिषा ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं तो ये तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि वो जीन कुछ ऐसा कर रहा है, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आशा कैबिन से पूछती है कि उसे तुमसे प्यार क्यों हुआ था, जिस पर से कैबिन उससे ये कहता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। ये सुनकर आशा को समझ में आ जाता है कि महिषा बिल्कुल सही कर रहा था। अगली सीन में हम महिषा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां पर आशा और उसकी फ्रेंड उसके आने वाले नए फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। आशा जब अपनी फिल्म के बारे में बता रही थी तो वहाँ पर उसे भीड़ के बीच में एक डेमन देखता है जिसकी दोनों आँखें नहीं थी। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो महिषा उसे अपने साथ उसके घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी फ्रेंड से पूछता है कि आशा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर वो तीन लड़कियाँ आई थी स्टार बनने के लिए, और जहाँ से वो आई थी वहाँ से कुछ लोगों ने उन्हें कुछ दिया हुआ था, जिससे वो अमीर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए और पैसे कमा पाए। आगे वो बताती है कि ये एक तरह का ब्लैक मैजिक है, क्योंकि उन्हें कोई मंत्र दिया गया था जिन्हें पढ़कर वो कम से कम समय में फेमस हो सकती थी। इन्हीं बातचीत के दौरान आशा को होश आ जाता है और वो बताती है कि ये सब उसके साथ तब से हो रहा है जब से उसने केविन के पैसे उड़ाना बंद कर दिए, क्योंकि वो चाहती थी एक नॉर्मल लाइफ लीड करना, लेकिन तभी से वो जिन इसे परेशान करने लगे हैं। खैर, अगली सीन में महिषा को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर आशा आई थी उसके मिलने के लिए। वो उसे कुछ नहीं कहती और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद ही आशा वहाँ पर खड़ी होकर कूदने वाली थी। महिषा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से कूद जाती है और सही वक्त पर महिषा उसे कैच कर लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद महिषा उसे उसकी मॉम के वो उन्हें सब कुछ बताता है कि आशा पजेस्ड है, और वो वहाँ पर तीन लोगों को देखता है जो कि किसी प्रकार का रिचुअल कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ड्रिंक लाई हुई थी अपने साथ, एक वाइट और एक ब्लैक। महिषा उसे नहीं लेता क्योंकि वहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ब्लैक मैजिक की तरह। तो वो जानबूझकर वो ड्रिंक अपने कपड़ों पर गिरा लेता है और वो वहाँ से बाहर जाने का बहाना बनाता है। बाहर पहुँचते ही उसे आशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो विंडो से झाकर आशा के कमरे में देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों ने आशा को एक चेयर पर बैठा रखा है और उसकी मॉम कोई रिचुअल कर रही हैं। उनकी मॉम उन आदमियों से पूछ रही वो जीन आशा को कब तक छोड़ेंगे, लेकिन वो आदमी ये बताता है कि वो जी ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि अभी आशा उनके लिए पैसे नहीं ला रही है, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती है। महिषा ये देखकर समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम की वजह से हो रहा है, तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है आशा की, जो उसे बुला रही थी। वो उसके पास जाता है, उसकी मॉम उसे कहती है कि आशा का ख्याल रखना, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सीन में हम महिषा को एक मस्जिद में देख, जहाँ पर वो एक मौलवी से बात कर रहा होता है इस जिन के बारे में। वो मौलवी उससे ये कहता है कि वो आशा से कहे प्रे करने के लिए, अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो जिन उसे छोड़ कर चला जाए, और वो चाहे तो वो लोग एक एक्सोरिज्म भी कर सकते हैं। तो अब महिषा जाता है आशा से मिलने के लिए। वो उसे थोड़ा इमोशनल करता है क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती थी। वो उससे पूछता है कि तुमने आखिरी बार प्रे कब किया, जिस पर से आशा ये कहती है कि उसे ऐसा करते हुए बहुत टाइम हो गया है। महिषा उसे ये कहता है कि अगर तुम प्रेयर करोगी तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तो आशा भी इस बात से राजी हो जाती है, तो वो प्रेयर करने से पहले अपने हाथ पैर धुलने के लिए जाती है।
और तभी उसके हाथ चलने लगते हैं क्योंकि वो जी नहीं चाहते थे कि वो प्रेयर करे। तो अब महसा और आशा दोनों भी मिलकर साथ में नमाज पढ़ते हैं और तभी वो जिन उस पर बुरी तरह से हावी हो जाता है। वो जिन आशा को उठाकर इधर उधर पटकने लगता है ताकि वो प्रेयर्स ना कर पाए। वो लोग उसकी पूरी जीभ बाहर निकाल लेते हैं जिसकी वजह से आशा को बहुत दर्द होने लगता है। आशा दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है और सीढ़ियों पर स्क्रॉल करते हुए अजीब तरीके से आ रही थी। ठीक उसी वक्त महसा उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आता है और वहाँ पर वो लोग उस पर एक्सोरिज्म परफॉर्म करने वाले थे। आशा की बॉडी के पास एक जिन को देख पाते हैं जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। महसा भी उसे देख लेता है और वो उससे बहुत डर जाता है। वो आशा को छुलाने की कोशिश करता है और खुद भी सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने पैरों के पास आशा को देख पाता है जो कि अजीब तरह से बैठी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है और वो उसे बेड पर देखती है जो उसे देखकर हंस रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो जिन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अगली सीन में महसा गया था मार्केट से कुछ सामान लाने और जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि आशा के हाथ पैर खुले हुए थे, वो आज़ाद हो चुकी थी। वो जिन महसा पर अटैक करता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ आशा को देखते हैं जो कि दीवार पर जल रही थी और वो उसे देखकर अजीब तरह से हंस रही थी। बहुत मुश्किल से महसा उसे पकड़ता है और उसे बांध देता है। वो कुरान पढ़ने लगता है ताकि वो जिन उसे छोड़ दे, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिन्हें केबिन अपने साथ लेकर आया था। और जब वो लोग पजस्ट आशा को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। तो उसी वक्त केबिन हमेशा हमेशा के लिए आशा को छोड़ कर चला जाता है। अगली सुबह वो जेल से जब बाहर आता है तो वो बाहर निकलते ही ठीक उसी जंगल में जाता है जहाँ पर वो 4 साल पहले रिपोर्टिंग करने गया था। वो उस जंगल के उसी कुटिया में जाता है जहाँ पर उसे आशा मिलती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। वो उसे अपने साथ एक मस्जिद में लेकर जाता है जहाँ पर सभी लोग ईश्वर को याद कर रहे थे और तभी उसके अंदर मौजूद वो जीन तड़पने लगता है। इधर उसकी माँ को कुछ चैटिंग सुनाई दे रही थी जिससे वजह से वो रिचुअल नहीं कर पा रही थी और उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसकी माँ वहीं पर गिर जाती है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। और इधर अब तक आशा के शरीर से भी वो सारे जीन बाहर आ चुके थे। कुछ सालों बाद हम आशा को देखते हैं जो अभी हिजाब पहनने लगी थी। वो अभी प्रेयर्स भी कर रही थी और अभी बिल्कुल ठीक थी। वहीं दूसरी तरफ महसा को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रहा था और तभी उसे अपने कार की कैमरा में कार के बैक साइड पर किसी औरत की पैर दिखते हैं। और जब वो वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन कार की स्टेयरिंग के पास एक औरत दिखती है जो बार बार अपना सर स्टेयरिंग में मार रही थी, जिससे महसा को समझ में आ जाता है कि वो पजस्ड है और वो वहां से भागने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बेसिकली वो गांव के लोग कुछ लड़कियों पर एक रिचुअल किया करते थे जिसमें वो उसे किसी तरह का ड्रिंक पिलाते थे और वो बाहर जाकर पैसे कमाती थी और उन्हें पैसे लाकर देती थी। अगर कोई औरत ऐसा नहीं करता था तो वो लोग जिन के जरिए उसे बहुत तड़पाते थे जैसा। और ये थी इस मूवी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।